Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूं शिफाली एंड आज हम गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो वेलकम टू माय चैनल. आई एम शिफाली एंड आज हम गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं. इससे पहले हमने ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो. आपको गो टू स्टेटमेंट अच्छे से समझ आएगी. इट इज एन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल विच मीन्स सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी ब्रोकन आउट विदाउट परफॉर्मिंग एनी टास्क एंड द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू सम स्टेटमेंट अदर देन द इमीडिएट नेक्स्ट वन. इसमें क्या होगा, जो गो टू स्टेटमेंट है वो हमारे कंट्रोल को अनकंडीशनल वे में ट्रांसफर कर देती है. इसका मतलब है जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी एग्जीक्यूशन होती है वो सिक्वेंशियल मैनर में होती है, यानी पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है फिर उसके बाद दूसरी होती है, वन आफ्टर द अनदर होती है. इससे क्या होगा, जब हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे हमारी जो सिक्वेंस होगी एग्जीक्यूशन की वो टूट जाएगी. यहाँ पे हमने गो टू स्टेटमेंट का यूज करा है उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और जो हमारा कंट्रोल है वो किसी और स्टेटमेंट पे चला जाएगा जबकि उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाना चाहिए, लेकिन वो उस स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा जहां हमने मेंशन करा है. गो टू स्टेटमेंट के आगे हम मेंशन करेंगे कि हमारा कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे जाना चाहिए, तो वह उस स्टेटमेंट पे चला जाएगा बिना बाकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे. कंटिन्यू और गो टू ये तीनों हमारे रिजर्व वर्ड है. मैंने गो टू स्टेटमेंट के लिए एक प्रोग्राम बना के रखा है. मैं आपको कोडिंग समझा देती हूँ कि क्या कोडिंग लिखी हुई है. सबसे पहले मैंने हेडर फाइल का यूज करा है, ठीक है. फिर मेन फंक्शन में मैंने इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया है ए, जिसमें कि मैंने 10 वैल्यू असाइन करी है. उसके बाद मैंने यहाँ पे डू व्हाइल लूप का यूज करा है. जैसे कि आप देख सकते हैं डू व्हाइल लूप में क्या होता है, पोस्ट टेस्ट लूप है जिसमें कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो एक बार एग्जीक्यूट होती होती है चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो. इसमें कंडीशन बाद में चेक होती है, पहले इसमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है. पर जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई उसके बाद हमारा चेक करना स्टार्ट होता है कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. तो उस तरह से काम करता है. तो डू व्हाइल लूप पे मैंने एक कंडीशन डाली हुई है कि जैसे ही हमारी ए की वैल्यू 15 आएगी, हमारा जो ए है वो बाय वन से इंक्रीज हो जाएगा. और क्या होगा, गो टू लूप वो जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर होके लूप पर चला जाएगा. मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि हमारा जो कंट्रोल है उसको कहाँ भेजना है. अगर मैं यहाँ पे मेंशन करती कि गो टू व्हाइल, तो जो हमारा कंट्रोल है वो ट्रांसफर होके व्हाइल पे आ जाता. ऐसा नहीं, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरह बिल्कुल नहीं है. कुछ लोगों को लगता है कि कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट सेम है, लेकिन नहीं. यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है कि हमारे कंट्रोल को कहाँ पे ले जाना है हमें. जैसे कि मैंने मेंशन करा है कि मेरे कंट्रोल को लूप पर ले जाना है, तो हमारा कंट्रोल लूप पे आ जाएगा और 15 वैल्यू को स्किप कर देगा. जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट में था कि हमारे 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट हो रही थी लेकिन सिर्फ 3 वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही थी, वैसे ही यहाँ पे भी होगा कि ये 15 वैल्यू को स्किप कर देगा और बाकी वैल्यूज को प्रिंट कराता रहेगा. कब तक प्रिंट कराएगा, जब तक कि हमारी ए की वैल्यू 20 से कम नहीं हो जाती. जैसे ही हमारी ए की वैल्यू 20 होगी हमारा प्रोग्राम वहीं पे एंड हो जाएगा, हमारी लूप वहीं पे खत्म हो जाएगी. रिपीट होना है वो बाय वन से इंक्रीज होता जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है ए प्लस प्लस. तो हम देखते हैं कि कैसे काम करता है, हमारी आउटपुट क्या आती है. कि मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ. हमारी ए की वैल्यू आ रही है 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है कि जैसे ही 15 आए हमारे कंट्रोल को लूप पर ट्रांसफर कर दे बिना स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट करे. तो इस तरह उसके बाद क्या होगा, 16, 17, 18, 19 उसके बाद की सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएगी. तो इस तरह से हमारा गो टू स्टेटमेंट काम करता है. अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.